नमः शिवाय। आज के जन्मे जातक विशाखा नक्षत्र में माने जाएंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। ऐसे जातक आकर्षक, आस्थावादी, ईश्वर भक्त, परंपरावादी और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। ऐसे जातक स्वतंत्र विचारधारा वाले और न्यायप्रिय भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। आज बृहस्पति और चंद्रमा दोनों विशाखा नक्षत्र में आ गए हैं, साथ ही साथ आज शुक्र कुंभ राशि में स्थान परिवर्तित कर गए हैं। आज आप पहले से ज़्यादा मानसिक सुकून महसूस करेंगे। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। पत्नी की सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। स्वास्थ्य में अनुकूलता महसूस होगी। विशेषकर हड्डी व त्वचा से संबंधित दिक्कतों में राहत मिलेगी। मित्र बंधुओं से कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। सरकारी विभाग या अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल रहेगा। आज विरोधियों से भी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी। मिथुन राशि के लिए आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। व्यवसाय संबंधी नई जानकारी हासिल होगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत है। मित्रों का सहयोग व्यावसायिक उन्नति में लाभदायक होगा। आज विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। आज का शाम मित्रों के साथ उत्सव में व्यतीत होगा। कर्क राशि के लिए बहुत प्रतीक्षित कार्य पूरे होने का समय हो चुका है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। आपके काम करने की दक्षता बढ़ी रहेगी। बड़े कामों में निवेश का योग चल रहा है। वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी हुई है। संतान पक्ष से सुकून मिलेगा। किसी मांगलिक उत्सव में जाने का योग बना हुआ है। सिंह राशि के लिए अपने कार्य योजनाओं को तब तक किसी से शेयर ना करें जब तक कार्य रूप में परिवर्तित ना हो जाए। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव में नकारात्मक विचारों को ना शामिल करें। आर्थिक चिंता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयास सार्थक होंगे। न्यायालय या वाद विवाद से संबंधित मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। शाम तक पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक व व्यावसायिक पक्ष अनुकूल है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा के लिए सजग रहें। मित्रजनों के माध्यम से लाभ मिलेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। अच्छे कामों में निवेश के लिए बैंक से लोन लेने या कर्ज लेने का योग चल रहा है। प्रयास करें, सफलता मिलेगी। तुला राशि के लिए पिछले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। सक्रियता बनी रहेगी। व्यावसायिक प्रयास सफल होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। नवीन संपत्ति या नई प्रॉपर्टी के लेने में जल्दबाजी ना करें। सोच समझ कर निर्णय लें। पहले से चली आ रही व्यावसायिक चिंता में कमी आएगी। वृश्चिक राशि के लिए गृहोपयोगी वस्तुओं और धर्म कर्म में आज खर्च की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। पहले से चले आ रहे नकारात्मक विचारों में कमी आएगी। आँखों से संबंधित समस्याओं के प्रति सावधानी बरतें। व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। आपके मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में चली आ रही परेशानियाँ कम होंगी।
धनु राशि के लिए सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता भी पड़ेगी। नसों से संबंधित या आँखों से संबंधित परेशानी बढ़ने का अंदेशा है। सावधानी बरकरार रखें, अपनी जीवन शैली को अनुशासित बनाए रखें। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में पहले से मन मुताबिक सुधार मिलेगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी रहेगी। धैर्य पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें। लाभ की गति थोड़ी धीमी रहेगी। मकर राशि के लिए कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। शासन सत्ता या अधिकारियों का सहयोग पूर्ण रूप से बना रहेगा। शरीर के जोड़ों तथा नस नाड़ियों से संबंधित शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में दूसरों के दखलंदाजी से तनाव भरा माहौल बन सकता है। कुंभ राशि के लिए स्वास्थ्य के संबंध में सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ेगी और सुरक्षा की भावना मन में व्याप्त रहेगी। अपनी निजी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश करें। किसी के दबाव में सलाह ना लें। सामान्य लाभ का योग बना हुआ है। संपत्ति के क्रय विक्रय में जल्दबाजी ना करें। कार्य व्यवसाय में उत्थान की स्थिति बनी हुई है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। मीन राशि के लिए सोच को सकारात्मक रखना अति आवश्यक होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखें। पेट से संबंधित या स्नायु तंत्र से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। यात्रा का योग बना हुआ है। आर्थिक स्थिति में सुधार सामान्य रहेगा। किसी तरह की जल्दबाजी से बचें। सोच समझ कर निर्णय लें। व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।